हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नए टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है कल्चर ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप। हम पहले तो बात करते हैं कि कल्चर ज्योग्राफी क्या है। जब हम रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं कल्चर एंड प्लेस के बीच में कि क्या कल्चर एंड प्लेस के बीच में रिलेशनशिप है, तो ब्रॉड टर्म में इसको हम कल्चर ज्योग्राफी कहते हैं, जिसमें हम एग्जामिंग करते हैं कल्चर वैल्यूज़ के बारे में, प्रैक्टिसेस के बारे में, मटेरियल एक्सप्रेशन के बारे में, कल्चरल डाइवर्सिटी के बारे में, और कैसे जो कल्चर है वो स्पेस के साथ डिस्ट्रीब्यूट हुए, यानी कि स्पेस में जो कल्चर है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए। स्पेस का मतलब हो गया ज्योग्राफिकल टर्म में एरिया, कि हाउ द प्लेस एंड आइडेंटिटीज़ कैसे प्रोड्यूस हुई, हाउ पीपल कैसे प्लेस को सेंस करते हैं, कि पीपल का जो व्यू है उस प्लेस के बारे में, कैसे पीपल प्रोड्यूस करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं अपने नॉलेज को, और कैसे वो मिलते हैं। तो कल्चर क्या है? कल्चर एक सम है किसका? कल्चर एक टोटल सम है नॉलेज का, एटीट्यूड का एंड हैबिचुअल बिहेवियर का, पैटर्न का, जो कि शेयर और ट्रांसमिट किया जाता है सोसाइटी के मेंबर द्वारा। और जो ज्योग्राफी एंड कल्चर है वो क्या है? आपस में इंटर रिलेटेड है। कल्चर क्या है? एक टोटल वे है लाइफ का जो कि करेक्टराइज करता है पीपल्स की ग्रुप को। तो लिटरली देयर आर द थाउजेंड्स ऑफ कल्चर्स ऑन अ प्लैनेट मैन, ईच कंट्रीब्यूट करते हैं ग्लोबल डाइवर्सिटी को। अब हम बात करते हैं कि फादर कौन है कल्चर ज्योग्राफी। फादर जिनको कंसिडर किया जाता है कल्चर ज्योग्राफी का, वो है हमारे कार्ल सॉर। तो फादर ऑफ ज्योग्राफी इज जनरली कंसिडर टू बी कार्ल सॉर, जो कि क्या है, एक अमेरिकन ज्योग्राफर हैं जो कि रहते थे और ये अमेरिका में रहते थे। इनका जन्म 1889 से और इनकी डेथ हुई 1975 में। तो सॉसर जो है वो एक प्रोमिनेंट फिगर रहे कल्चर ज्योग्राफी के फील्ड में, और इनको बेस्ट नोन कहा जाता है इनके वर्क के लिए जो इन्होंने कल्चर लैंडस्केप के ऊपर किया। इन्होंने एम्फसाइज किया कि क्या ह्यूमन का इम्पैक्ट पड़ा इन्वायरमेंट पे, एंड कौन कौन से ऐसे वेज हैं जिससे जो कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं वो फिजिकल वर्ल्ड को शेप देती हैं, यानी कि फिजिकल लैंडस्केप को बनाती हैं। सॉर का जो अप्रोच था कल्चर ज्योग्राफी का, वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसिंग था शेपिंग देने में इस डिसिप्लिन को, और इन्होंने हेल्प किया इस्टेब्लिश करने में एक डिस्टिंग फील्ड होना स्टडी का ज्योग्राफी में। अब हम कल्चर ज्योग्राफी की हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो जो कल्चर ज्योग्राफी है वो आपकी अर्ली 20वीं सेंचुरी में आई, जब ज्योग्राफर्स ने अपना फोकस फिजिकल ज्योग्राफी से ह्यूमन ज्योग्राफी की तरफ शिफ्ट किया। कल्चर ज्योग्राफी एक सब फील्ड बनी ह्यूमन ज्योग्राफी की, जो कि ह्यूमन कल्चर की स्टडी के रिलेटेड कंसर्न करती थी और इसका क्या रिलेशन है फिजिकल इन्वायरमेंट से। अब इसमें वन ऑफ द की जो फिगर्स आई कल्चर ज्योग्राफी की डेवलपमेंट में, जो फादर्स थे कल्चर ज्योग्राफी के, डेट इज कार्ल सॉर, जिनको रिकॉर्ड किया गया कि वो फाउंडर थे कल्चर ज्योग्राफी के यूनाइटेड स्टेट में। सॉर ने एम्फसाइज किया कि क्या इम्पोर्टेंस है जो हम स्टडी करते हैं हिस्टोरिकल एंड इकोलॉजिकल कॉन्टेक्स को कल्चर प्रैक्टिसेस में, इनकी क्या इम्पोर्टेंस है स्टडी करने की। इसको हम इसलिए स्टडी करते हैं, उन्होंने बताया, कि ताकि हम अंडरस्टैंड कर सके कि कैसे कल्चर का एवोल्यूशन हुआ टाइम के साथ। इन्होंने डेवलप किया कल्चर लैंडस्केप के कॉन्सेप्ट को, जहाँ पे इन्होंने रेफर्स किया कि किस वे में जो ह्यूमन सोसाइटीज़ हैं वो फिजिकल इन्वायरमेंट को शेप देती हैं कल्चर प्रैक्टिस। 1950 एंड 1960 के दौरान कल्चर ज्योग्राफी अंडरवेंट हुआ पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन होना ज्योग्राफर्स द्वारा, जहाँ पे इन्होंने वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स को एक्सप्लोर किया जो कि ह्यूमन कल्चर से रिलेट करते थे एंड फिजिकल इन्वायरमेंट से। इस पीरियड में हम देखते हैं कि सर्वल न्यू अप्रोचेस का एमर्जेंस हुआ कल्चर ज्योग्राफी में, जिसमें हमारा आ जाता है बिहेवियरल ज्योग्राफी, ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी, मार्क्सिस्ट ज्योग्राफी। 1970 एंड 1980 के दौरान कल्चर ज्योग्राफी जो है वो पोस्ट मॉडर्निज्म से भी इन्फ्लुएंस हुआ, एंड देयर इज अ क्रिटिकल थ्योरी होना जहाँ पे ज्योग्राफर्स ने इश्यूज को एक्सप्लोर किया, जो कि पावर, आइडेंटिटी, कैसे रिप्रेजेंटेशन होता है कल्चर प्रैक्टिसेस का, इन सब इश्यूज से रिलेट करते थे। तो ये पीरियड था जहाँ पे फेमिनिस्ट ज्योग्राफी का इमर्जेंस हुआ,
स्टडी करना जेंडर एंड सेक्सुअलिटी के बारे में कल्चर प्रैक्टिसेस में। बट रीसेंट ईयर जो अभी जो रीसेंट टाइम है उसमें अगर हम देखें तो कल्चर ज्योग्राफी कंटिन्यूसली इन्वॉल्व एंड डाइवर्सिफाई होता गया, जहाँ पे ज्योग्राफर्स ने वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स को एक्सप्लोर किया जो कि किससे रिलेट करते थे, ह्यूमन कल्चर से, और इसका चार रिलेशनशिप है फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ। अब इसमें सम ऑफ द जो की एरियाज थे रिसर्च थे कॉन्टेम्पेरी कल्चर ज्योग्राफी में, वो आते हैं ग्लोबलाइजेशन की स्टडी करना, ट्रांसनेशनलिज्म की स्टडी करना, कल्चरल हैबिटरी की स्टडी करना, एज वेल एज की चार रिलेशनशिप है कल्चर प्लेस एंड आइडेंटिटी का। अब नेचर क्या है कल्चर ज्योग्राफी का, उसके हम बारे में स्टडी करते हैं। तो ये की पॉइंट्स हैं जो कि मैंने इस डॉक्यूमेंट्स में डाले हैं कि क्या नेचर है कल्चर ज्योग्राफी का। अब हम उसको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। पहला है कि कल्चर ज्योग्राफी क्या एक सब फील्ड है ह्यूमन ज्योग्राफी का। जैसे कि हम जानते हैं कि कल्चर ज्योग्राफी एक ब्रांच है ह्यूमन ज्योग्राफी की, तो इसमें हम स्टडी करते हैं किसके बारे में, कल्चर एंड स्पेस के बारे में, कि कल्चर एंड स्पेस, स्पेस क्या हो गया प्लेस हो गई हमारी, तो कल्चर एंड स्पेस का क्या रिलेशनशिप है आपस में, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। कल्चर ज्योग्राफी कंसर्न करता है स्टडी करना कि कैसे स्पेशल डिफ्यूजन हुआ कल्चर फिनोमिना का, लाइक लैंग्वेज का, रिलीजन का, आर्ट का। ये इंटरेस्ट होता है कि कैसे कल्चर प्रैक्टिसेस एंड बिलीफ चेंज होती गई टाइम के साथ, एंड कैसे ये चेंज ने इन्फ्लुएंस किया इन्वायरमेंटल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स। कल्चर ज्योग्राफी इम्फोसिस करता है कि क्या इंपॉर्टेंस है प्लेस एंड शेप की, जो कि शेप देती है कल्चर आइडेंटिटी एंड प्रैक्टिस को। इसमें हम आल्सो एग्जामिन करते हैं कि कैसे पीपल यूज और ट्रांसफॉर्म करते हैं अपनी नेचुरल इन्वायरमेंट को एंड मीट करते हैं अपने कल्चर नीड एंड डिजायर से। कल्चर ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा डाइवर्स एंड डायनेमिक फील्ड है जो कि बहुत सिग्निफिकेंस चेंजेस के साथ चलती रही, थ्योरेटिकल एंड मेथोलॉजिकल अप्रोचेस आते रहे टाइम टू टाइम। सो देर इज अ रेंज ऑफ थ्योरेटिकल परस्पेक्टिव होना, लाइक इसमें आ जाता है हमारा ह्यूमनिस्टिक, मार्क्सिस्ट, फेमिनिस्ट, पोस्ट मॉडर्निस्ट अप्रोच, जिसमें हम आगे इन अप्रोचेस को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। देन आ जाता है कि कल्चर ज्योग्राफी जो है वो क्लोजली लिंक है जो अदर फील्ड्स हैं ज्योग्राफी की, लाइक आपका अर्बन ज्योग्राफी आ गया, इकोनॉमिक ज्योग्राफी आ गया, पॉलिटिकल ज्योग्राफी आ गया। तो ये इंटर डिसिप्लिनरी कनेक्शन रखता है इन द फील्ड ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, सोशोलॉजी एंड हिस्ट्री से। ये आल्सो एग्जामिन करते हैं कि कैसे, कि क्या इम्पैक्ट हुआ पॉलिटिकल पावर का कल्चर प्रैक्टिसेस में। मैंने कहा ना कि कल्चर ज्योग्राफी अदर ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी से भी लिंक करता है, तो जिसमें वन ऑफ द जो ब्रांच मैंने बताई पॉलिटिकल ज्योग्राफी, तो यहाँ पे बात आ गई कि ये एग्जामिन करता है कि क्या इम्पैक्ट हुआ पॉलिटिकल पावर का कल्चर प्रैक्टिसेस में, कल्चर पे क्या इम्पैक्ट हुआ पॉलिटिकल पावर का। तो इससे इस तरीके से इसको रिलेट किया गया है अदर ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी से। अब आते हैं कि कल्चर ज्योग्राफी की प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी है बहुत सारी फील्ड में, लाइक टूरिज्म के केस में, अर्बन प्लानिंग के केस में, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट के केस में। तो इससे हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कैसे कल्चर प्रैक्टिसेस या बिलीफ शेप देती है पीपल का क्या परसेप्शन है उस प्लेस के बारे में, या हाउ ये जो परसेप्शन है वो मे भी प्रमोट करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को एंड कल्चर प्रिजर्वेशन को। अब स्कोप ऑफ कल्चर ज्योग्राफी की हम बात कर लेते हैं, तो इसमें हम स्टडी करते हैं कि कैसे कल्चर लैंडस्केप का इन्वॉल्व हो, इसमें हम एनालाइज करते हुए इन विच जो कल्चर वैल्यूज एंड प्रैक्टिसेस हैं वो इन्फ्लुएंस करती है फिजिकल इन्वायरमेंट को। इसमें हम एग्जामिन करते हैं कि कैसे पीपल ने मॉडिफाई एंड अडॉप्ट किया इन्वायरमेंट को, एज वेल एज उसका क्या इम्पैक्ट हुआ ह्यूमन एक्टिविटीज़ का इन्वायरमेंट पे। कल्चर ज्योग्राफी में हम एक्सप्लोर करते हैं कि कैसे जो एथनिक ग्रुप एंड जो माइग्रेंट्स होते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं अपने फिजिकल एंड सोशल इन्वायरमेंट के साथ। इसमें इंक्लूड है एनालाइज करना फैक्टर जो कि माइग्रेशन से डिराइव करते हैं कि क्या इम्पैक्ट हुआ माइग्रेशन का कल्चर एंड इन्वायरमेंटल चेंज में, हाउ एथनिक ग्रुप्स इंटरेक्ट करते हैं इन्वायरमेंट के साथ। कल्चर ज्योग्राफी में हम इन्वेस्टिगेट करते हैं कि क्या रिलेशनशिप है रिलीजन एंड कल्चर का। इसमें इंक्लूड है वे इन विच जो रिलीजन एंड बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस हैं वो शेप देती है फिजिकल एंड सोशल इन्वायरमेंट को। कल्चर ज्योग्राफी में हम आल्सो एग्जामिन करते हैं कि कौन से ऐसे वेज है जिसमें जो जेंडर है वो कल्चर को शेप देता है एंड इन्वायरमेंट का चेंजेस होना। इसमें इंक्लूड है एनालाइज करना कि क्या इम्पैक्ट हुआ जेंडर रोल का इन्वायरमेंट पे एंड हाउ जो जेंडर आइडेंटिटीज है वो कैसे बनी, ये रिप्रेजेंट करती है कल्चरल लैंडस्केप को। कल्चर ज्योग्राफी में हम एक्सप्लोर करते हैं कि अर्बन एंड रूरल कल्चर के बीच में क्या डिफरेंस है,
कैसे इसने फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट को शेप दिया। इसमें इंक्लूड होता है एनालाइज करना कल्चरल प्रैक्टिसेस एंड वैल्यूज ऑफ द अर्बन एंड रूरल कम्युनिटीज एज वेल एज क्या डिफरेंस है फिजिकल लैंडस्केप जो है अर्बन एंड रूरल एरियाज का, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो कल्चर ज्योग्राफी में हम एग्जामिन करते हैं टूरिज्म एंड कल्चर के बीच में क्या रिलेशनशिप है, इसमें टूरिज्म का क्या इम्पैक्ट हुआ कल्चर एंड एनवायरमेंटल चेंज में, हाउ यू टूरिज्म है जिसको यूज़ किया जाता है प्रमोट करने के लिए कल्चर हेरिटेज एंड कंजर्वेशन को, एंड ये इम्प्लॉयज़ करता है आपके स्पेशल कॉन्सेप्ट एंड लैंडस्केप को, जिसमें हम मैप्स का यूज़ करते हैं, एरियल फोटोग्राफ्स का यूज़ करते हैं, सेटेलाइट इमेजेस का यूज़ करते हैं, ह्यूमन सोशल ऑर्गेनाइजेशन को एग्जामिन करने के लिए एंड एनवायरमेंटल के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए। अब कल्चर इकोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। कल्चर इकोलॉजी क्या है, कल्चर इकोलॉजी डिस्क्राइब करता है कि इंट्रैक्शन होना कल्चर का फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ, ये एड्रेस करता है कि कल्चर एंड फिजिकल एनवायरनमेंट के बीच में क्या रिलेशनशिप है। नॉर्मली कल्चर रिलाइज एंड इन्वॉल्व होता है ग्रेट वैरायटी के फिजिकल सेटिंग्स में, जो कि डेफर करता है कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, नेचुरल वेजिटेशन कैसी है, सॉइल एंड लैंड फॉर्म्स कैसा है, फिजिकल फैक्टर्स पे। सो इन दिस सच डाइवर्स नेचुरल एनवायरनमेंट ह्यूमन में भी डेवलप करते हैं अपनी एडेप्टिव स्ट्रेटजीज, जिससे कि वो अपनी नीड्स से सेटिस्फाइड होते हैं क्लोथिंग फूड एंड शेल्टर के लिए। तो ये रिजल्ट होता है लेटरल वर्ल्ड में डिफरेंस क्लोथिंग स्टाइल होना, वो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट क्लोथ्स पहनते हैं, एंड मटेरियल्स कौन कौन से वो यूज़ करते हैं, कौन कौन से वो बनाते हैं प्रोडक्शन प्रिपरेशन, एंड कौन कौन से वो फूड खाते हैं कंजम्पशन करते हैं अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ की नेचुरल वेजिटेशन कैसी है, सॉइल कैसी है, लैंडफॉर्म, इन सब फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। एंड आर्किटेक्चर स्टाइल कैसे हैं, मटीरियल्स कैसे हैं, जो कि डिफाइन करता है ह्यूमन के शेल्टर को कि वहाँ के ह्यूमन का कल्चर किस तरीके का है, वहाँ के ह्यूमन किस तरीके से रहते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कल्चर इकोलॉजी का वो हेल्प करता है बेटर अंडरस्टैंड करने में कल्चर लैंडस्केप, एंड कल्चर इकोलॉजी मेनली फोकस करता है कल्चर इन्वायरमेंट इंटरेक्शन के ऊपर पास्ट से एज वेल एज प्रेजेंट के ऊपर। अब कैसे इवोल्यूशन हुआ कल्चर का, ये इवोल्यूशन हुआ कल्चर का वो ह्यूमन के इवोल्यूशन से डायरेक्टली रिलेट है। होमो सेपियंस मैन का कल्चर बिगेन हुआ जहाँ पे मैन की जो कैपेसिटी थी उसने यूज एंड क्रिएट किया एंड प्रोड्यूस किया टूल्स एंड टेक्निक्स, एंड ऑस्ट्रलोपिथेकस अफ्रीकन्स 5 मिलियन ईयर्स एगो यूज किया स्टोन टूल्स, देन द यूज ऑफ फायर एंड 2 to 3 मिलियन ईयर्स एगो, देन टूल्स को बोन से बनाया गया 1 मिलियन ईयर्स एगो द एज ऑफ नीदरलैंड मैन, क्रो मैंगोनॉन 25,000 ईयर्स अगो देर इज अ कंट्रीब्यूशन ऑन अ कल्चर का इन केप पेंटिंग, ज्वेलरीज मेड अप ऑफ सी शेल्स से जो बनाई जाती थी जो कि वुमेन्स के स्टेटस को एम्फेसिस करती थी, प्रेगनेंसी वेपन्स जो कि बोन हॉर्न एंड एवरी से बनाए जाते थे पहले के टाइम पे। तो ये बताते हैं कि कैसे कल्चर का इवोल्यूशन हुआ टाइम के साथ। अब हम बात करते हैं कि कल्चर ज्योग्राफी की क्या अप्रोच है। जो पहला अप्रोच है हमारा वो है हमारा बिहेवियरल ज्योग्राफी। बिहेवियरल ज्योग्राफी क्या है, इस अप्रोच में हम स्टडी करते हैं ह्यूमन बिहेवियर के बारे में एंड इसका क्या रिलेशनशिप है नेचुरल एंड बिल्ड इन्वायरमेंट के साथ। इसमें हम एग्जामिन करते हैं कि कैसे पीपल इंटरेक्ट करते हैं अपने इन्वायरमेंट के साथ एंड ये जो इंटरेक्शन होता है वो कैसे शेप देता है कल्चर को। दूसरा आता है हमारा मार्क्सिस्ट अप्रोच। मार्क्सिस्ट अप्रोच एम्फेसाइज करता है कि रोल चाहे इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर का कल्चर को शेप देने में। इसमें हम एग्जामिन करते हैं कि कैसे जो कैपिटलिज्म एंड अदर इकोनॉमिक सिस्टम है वो अफेक्ट करते हैं कल्चर प्रैक्टिसेस को एंड हाउ जो कल्चर प्रैक्टिसेस है वो शेप देती है इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम को। देन आता है हमारा फेमिनिस्ट अप्रोच। फेमिनिस्ट अप्रोच इस अप्रोच में हम फोकस करते हैं स्टडी करना जेंडर का एंड इसका क्या रिलेशनशिप है नेचुरल एंड बिल्ड एनवायरनमेंट से। इसमें हम एग्जामिन करते हैं कि हाउ जो जेंडर का रोल है एंड नॉर्म्स है वो अफेक्ट करता है वे ऑफ पीपल जो कि इंटरेक्ट करते हैं इन्वायरमेंट के साथ एंड हाउ ये जो इंटरेक्शन है वो शेप देता है कल्चर को। देन आता है हमारा पोस्ट मॉडर्न अप्रोच। दिस अप्रोच में भी एम्फोसाइज करता है इंपॉर्टेंस होना सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस का एंड इंडिविजुअल का इंटरप्रिटेशन होना जो कि शेप देता है कल्चर को कि कैसे जो इंडिविजुअल है वो इंटरप्रेट करते हैं कैसे वो एक्सपीरियंस करते हैं। तो ये एग्जामिन करता है कि कैसे जो कल्चर प्रैक्टिसेस हैं वो शेप दी जाती है पावर रिलेशनशिप एंड हाउ पावर का जो रिलेशनशिप है वो भी कंसिस्टेड और नेगोशिएटेड है। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच।
ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, ये अप्रोच में भी इम्फोसिस करता है कि चाहे इंपॉर्टेंस है इंडिविजुअल के एक्सपीरियंस की है, या ये कैसे जो इमोशंस हैं वो शेप देते हैं कल्चर को, एग्जामिन करता है कि कैसे कल्चर प्रैक्टिसेस शेप दी जाती है पर्सनल एक्सपीरियंस एंड हाउ दिस एक्सपीरियंस एम्बेडेड करते हैं लैंडस्केप को। एवोल्यूशनरी अप्रोच, दिस एवोल्यूशनरी अप्रोच इन कल्चर ज्योग्राफी कंसर्न करता है कि कैसे ओरिजिन एंड डेवलपमेंट हुआ कल्चर प्रैक्टिसेस का, इसका स्प्रेड एंड डिफ्यूजन होना है स्पेस एंड टाइम के अक्रॉस। इस अप्रोच जो था कल्चर का वो बहुत ज़्यादा डायनेमिक था एंड इवॉल्विंग प्रोसेस था, जो कि बहुत इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस द्वारा शेप किया जाता है। तो इसमें जो क्री जो प्रोपोनेंट है एवोल्यूशनरी अप्रोच में वो थे हमारे कार्ल सॉर, जिन्होंने आर्ग्यू किया कि कल्चर लैंडस्केप क्या है, एक रिजल्ट है लॉन्ग टर्म में इंटरेक्शन होना ह्यूमन सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट का। सॉर ने इम्फोसाइज किया कि जब उन्होंने स्टडी किया हिस्टोरिकल एंड इकोलॉजिकल जो कॉन्टेक्स्ट था, जहाँ पे इन्होंने टाइम के एवोल्यूशन को अंडरस्टैंड किया कि कैसे टाइम कैसे कल्चर का एवोल्यूशन हुआ टाइम के अकॉर्डिंग। अनदर जो इम्पोर्टेंट फिगर आती है एवोल्यूशनरी अप्रोच में वो आती है आपकी विलियम डी पिटिशन, जिन्होंने प्रपोज किया कल्चर डिफ्यूजन के मॉडल को और एम्फोसाइज किया कि चार रोल है माइग्रेशन का, ट्रेड का, कम्युनिकेशन का, कल्चर प्रैक्टिसेस को स्पेस में स्प्रेड करने करने का। पिटिशन ने आर्ग्यू किया कि जो कल्चर ट्रेड्स हैं वो मोर लाइकली चाहे स्प्रेड होना है एक वेल इंस्टेब्लिश ट्रेड एंड कल्चर डिफ्यूजन का में भी ऑप्टेन होना बाय इन्वायरमेंटल फैक्टर द्वारा, लाइक क्लाइमेट द्वारा, टोपोग्राफी द्वारा। बट देयर इज अ मोर रिसेंट रिसर्च ऑन एवोल्यूशनरी अप्रोच में कल्चर ज्योग्राफी के, जो कि जेनेटिक्स के रोल पे फोकस करता है, एपिजेनेटिक्स के रोल पे, जो कि शेप देते हैं कल्चरल प्रैक्टिसेस को। जो रिसर्च जो कि शो करती है जेनेटिक एंड एपिजेनेटिक फैक्टर पे वो इन्फ्लुएंस करती है, लाइक ट्रांसमिशन एंड प्रसिस्टेंस होना कल्चर ट्रेड्स का एंड कल्चर का कैसे इवोल्यूशन हुआ, जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एंड मल्टी फेसेस प्रोसेस है, जो कि इन्फ्लुएंस होता है बायोलॉजिकल एंड सोशल फैक्टर द्वारा। अब इन्वायरमेंटल परसेप्शन क्या है कल्चर ज्योग्राफी का, इन्वायरमेंटल परसेप्शन एक की एस्पेक्ट है कल्चर ज्योग्राफी का, जो कि फोकस करता है कि कैसे जो पीपल है वो परसीव एंड इंटरेक्ट करते हैं अपनी नेचुरल इन्वायरमेंट के साथ। कल्चर ज्योग्राफी में इन्वायरमेंट को एज अ फिजिकल बैकड्रॉप नहीं दे सका जाता है ह्यूमन एक्टिविटी का, बल्कि रेदर देन ये डायनेमिक एंड कल्चरली कंस्ट्रक्ट किया जाता है स्पेस में एंड शेप देता है पीपल के बिहेवियर एंड बिलीफ को। इन्वायरमेंटल परसेप्शन रेफर्स करता है वे जिसमें जो पीपल्स होते हैं परसीव इंटरप्रेट और सेंस करते हैं अपनी इन्वायरमेंट को। इसमें नॉट ओनली फिजिकल लैंडस्केप आता है बट आल्सो कल्चर एंड सोशल फैक्टर्स भी आते हैं जो कि इसको शेप देते हैं। नौ पीपल कैसे इंटरेक्ट करते हैं अपने इन्वायरमेंट के साथ, फॉर एग्जाम्पल कि क्या पीपल का बिहेवियर बिलीफ है स्पिरिचुअल एंड सिम्बॉलिक सिग्निफिकेंस होना सर्टेन नेचुरल फीचर्स में, सच एज माउंटेन एंड रिवर। लाइक अगर हम इंडिया का एग्जाम्पल ले तो जो गंगा रिवर है उसका अपना एक स्पिरिचुअल वैल्यू है, जो कि इन्फ्लुएंस करता है जो बिहेवियर एंड उसका क्या पीपल का रिलेशनशिप है इन्वायरमेंट के साथ, क्योंकि गंगा को एज अ पूंजा की तरह पूजा जाता है इंडिया में, तो गंगा की अपनी एक स्पिरिचुअल वैल्यू है। तो कल्चर ज्योग्राफी को एज रिकॉग्नाइज किया कि ये एक वे है इन विच द पीपल में भी शेप देते हैं एनवायरनमेंट को अपनी एक्टिविटी एंड प्रैक्टिसेस के अकॉर्डिंग, सच एज एग्रीकल्चर, अर्बनाइजेशन, रिसोर्स एक्सट्रैक्शन करना, जो कि रेसिप्रोकल है कि चार रिलेशनशिप है कल्चर एंड एनवायरनमेंट का। ये एक सेंट्रल अंडरस्टैंडिंग देते हैं कॉम्प्लेक्स एंड डायनेमिक नेचर होना ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन का एंड ओवरऑल एनवायरनमेंट का परसेप्शन होना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कल्चर ज्योग्राफर्स के लिए, जो कि हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में कि कैसे जो पीपल हैं कल्चर बिलीव प्रैक्टिसेस एंड वैल्यू वो शेप देते हैं रिलेशनशिप होना एनवायरनमेंट के साथ एंड ये टर्नली इफेक्ट अफेक्ट करता है एनवायरनमेंट एंड ब्रॉडर करता है इकोसिस्टम को। अब स्पेशल स्ट्रक्चर क्या है कल्चर ज्योग्राफी का, स्पेशल स्ट्रक्चर रेफर्स करता है अरेंजमेंट होना फिजिकल एंड ह्यूमन फीचर्स का अर्थ के सरफेस में। अब इसमें दे आर द फोर एस्पेक्ट्स आ जाते हैं। पहला एस्पेक्ट आता है हमारा कल्चरल फिनोमेना। कल्चर ज्योग्राफी में जो स्पेशल स्ट्रक्चर होता है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कल्चर फिनोमेना की बात करते हैं, सच एज लैंग्वेज हो गया, रिलीजन हो गया, कस्टम हो गया, बिलीफ्स हो गई। तो कल्चर ज्योग्राफी जाएगी स्टडी है कि कैसे कल्चर इन्फ्लुएंस और इन्फ्लुएंस होता है स्पेशल एनवायरमेंट द्वारा। दूसरा आता है हमारे कल्चर ट्रेड्स। वन ऑफ द की कॉम्पोनेंट होना कल्चर ज्योग्राफी का इज आइडिया ऑफ द कल्चर रीजन। कल्चर रीजन आर डिफाइंड होते हैं कल्चर ट्रेड्स द्वारा, सच एज लैंग्वेज, रिलीजन, इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो कि डिस्टिंक्ट होते हैं फ्रॉम
दोज जो कि फाउंड होते हैं नेबरिंग रीजन में. सो दीज रीजन में भी डिफाइंड होता है बाय नेचुरल या फिर जो भी कल्चरल बाउंड्रीज होती हैं, सच एज जैसे कि आपकी रिवर्स आ गई, माउंटेन्स आ गई या पॉलिटिकल बाउंड्रीज आ गई. देन आता है स्पेशल डिफ्यूजन. स्पेशल डिफ्यूजन भी एक अनदर एस्पेक्ट है स्पेशल स्ट्रक्चर का कल्चर ज्योग्राफी में, जो कि आइडिया देता है स्पेशल डिफ्यूजन के बारे में. स्पेशल डिफ्यूजन कैसे स्प्रेड हुआ कल्चर ट्रेस द्वारा या आइडियाज़ का होना वन प्लेस से अनदर में ओवर द टाइम. रेट ऑफ डायरेक्शन होना डिफ्यूजन का, जो कि इन्फ्लुएंस होता है बाय फैक्टर द्वारा सच एज डिस्टेंस बैरियर होना मूवमेंट एंड कल्चर रेजिस्टेंस का. देन आता है आपका कल्चर लैंडस्केप. कल्चर लैंडस्केप आल्सो एक इम्पॉर्टेंट है कल्चर ज्योग्राफी में, इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. जो कल्चर लैंडस्केप है वो रेफर्स करता है विजिबल फीचर होना लैंडस्केप में जो कि ह्यूमन एक्टिविटी द्वारा शेप किया गया है, सच एज रोड्स, बिल्डिंग, एग्रीकल्चर एक्टिविटी. सो कल्चर लैंडस्केप प्रोवाइड करता है क्लू अबाउट कि कैसे कल्चर में भी प्रोसीड हुआ एंड कैसे इन्फ्लुएंस है जो बिहेवियर है पीपल का विद ओवरऑल स्पेशल स्ट्रक्चर प्ले करता है इम्पॉर्टेंट रोल होना कल्चर ज्योग्राफी में, क्योंकि हेल्प करता है एक्सप्लेन करने में कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिफ्यूजन हुआ कल्चर फिनोमेना का एज वेल एज क्या इम्पैक्ट हुआ कल्चर एक्टिविटीज़ का लैंडस्केप पे. सो नेक्स्ट वीडियो में हम और भी अदर टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे. आज के लिए थैंक यू.